आणि आता या क्षणाची सगळ्यात मोठी राजकीय बातमी, शरद पवारांशी चर्चा करूनच सकाळचा शपथविधी झालेला होता असा गौप्यस्फोट देवेंद्र फडणवीसांनी केलेला आहे. महामंडळाच्या वाटपाबाबतही शरद पवारांशी चर्चा झालेली होती, खाते वाटपाबाबतही शरद पवारांशी बोलणं झालेलं होतं असा गौप्यस्फोट देवेंद्र फडणवीसांनी केलेला आहे. पहाटेच्या शपथविधीवरनं एकीकडे अजित पवारांवर टीका होतीये, त्यांना टोमणे मारले जात आहेत, तर दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीसांनी पहाटेच्या शपथविधीवरनं मोठा गौप्यस्फोट केलेला आहे. महामंडळांचं वाटप असेल किंवा खाते वाटप असेल, या सगळ्या विषयांवर चर्चा झालेली होती. शरद पवारांशी चर्चा करूनच पहाटेचा शपथविधी झालेला होता असा गौप्यस्फोट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केलेला आहे. 3.5 वर्ष झाली या पहाटेच्या शपथविधीला, मात्र अजूनही यावरनं कवित्व रंगताना दिसतंय. देवेंद्र फडणवीसांनी हा सगळ्यात मोठा गौप्यस्फोट केलेला आहे. पर एथिकल पॉलिटिक्स के लिए राजनीति में आप जिंदा भी होने चाहिए. इफ यू डाई इन पॉलिटिक्स देयर कैनॉट बी एथिकल पॉलिटिक्स एट ऑल. जब हम लोग चुनकर आए और चुनकर आने के बाद व्हाइल वी वर नेगोशिएटिंग विथ शिवसेना, एट वन मोमेंट वी रियलाइज्ड दैट दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू गो विथ एनसीपी एंड कांग्रेस. और ये सारी चीजें ध्यान में आने के बाद हमको लगा कि हमको भी विकल्प ढूंढना पड़ेगा. और करीब करीब 10-12 दिन उसमें चले गए थे और इसलिए हमने विकल्प के तौर पर कांग्रेस के साथ तुम नहीं जा सकते थे, हमने एनसीपी के साथ बातचीत की और उस समय भी प्रस्ताव एनसीपी की तरफ से ही आया था और करीब करीब हमारी बातचीत फाइनल भी हुई. और चूंकि यह कैमरा नहीं है तो बताने में कोई हर्ज नहीं है कि हम लोगों ने सरकार बनाने की सारी कवायद भी पूरी की. वी कंक्लूडेड द नेगोशिएशंस इंक्लूडिंग विच पोर्टफोलियोज, उसके साथ साथ विच गार्डियन मिनिस्टर्स, ये सारी चीजें फाइनल हुई. और एंड नॉट विथ अजित पवार, it was with Mr. Sharad Pawar. So we finalized everything with Mr. Sharad Pawar. Abhi ye soch rahi hogi ki ye camera ke samne mil jata. And sari cheeze humne final ki. Aur politics mein aisa hota hai kabhi kabhi ki matlab राष्ट्रपति शासन जो लगा तो एनसीपी ने उसकी जो चिट्ठी दी वो चिट्ठी भी मैंने लिखी थी. आई ड्राफ्टेड द एंटायर लेटर और मैंने वो लेटर उनके थ्रू भिजवाया. तो सारी चीजें हमारी करीब करीब फाइनल हो गई थी क्योंकि शिवसेना वॉज एडमेंट, दे वर नॉट रेडी टू इवन टॉक, वो बिल्कुल बातचीत के लिए भी तैयार नहीं थे. और हम लोगों का ध्यान में आ गया था क्योंकि एनसीपी ने हमको ये बता दिया था कि शिवसेना पहले दिन से हमसे बात कर रही है और हमारा आपके साथ वो ट्रिपल अलायंस. आणि आपले प्रतिनिधी अमर काणे आता आपल्यासोबत आहेत. अमर, पहाटेचा शपथविधी हा शरद पवारांशी चर्चा करूनच उरकलेला होता असा मोठा गौप्यस्फोट फडणवीसांनी केलेला आहे. भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे